इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पालक, जिसको अच्छे से इस टाइप से डंडियाँ हटा ली हैं इसमें से, और इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। अब हमने एक बर्तन में गर्म पानी कर लिया है। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच शुगर। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच सॉल्ट। ये मैं इसलिए डाली हूँ जिससे कि पालक ग्रीन ही रहेगा। अब इसमें ये धुला हुआ पालक हम डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे ऐसे ही। अब 2 मिनट हो गए हैं, हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इस पालक को तुरंत ही गर्म पानी से निकाल के फ्रिज के ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे कि जो पालक का कलर है वो हरा ही रहे। इस टाइप से अच्छे से पानी हम पहले निचोड़ लेंगे। इसको हम तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे। अब 2 मिनट हम इसे ऐसे ही ठंडे पानी में रहने देंगे और फिर इसके बाद इसे छलनी में छान के और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। अब ग्रेवी के लिए हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हम चाहें तो बारीक काट लेंगे या फिर इसको चॉपर में चॉप कर देंगे। आप चाहें तो मिक्सी में इसको पेस्ट भी बना सकते हैं पीस के। और एक हरी मिर्च लेंगे, इसको भी बारीक काट लेंगे। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको भी हम चॉपर में चॉप कर लेंगे या फिर बारीक काट लेंगे। अब हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसको क्यूब में काट लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब हम तेल गरम हो चुका है, इसमें पनीर को डाल के फ्राई कर लेंगे इसे। पनीर देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। अब हमने जिस कढ़ाई में पनीर फ्राई किया है उसी में हमने 2 टेबल स्पून ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच सहजीरा। अगर आपके पास सहजीरा ना हो तो आप नॉर्मल ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे एक तेज़पत्ता। अब ज़ीरा हमारा चटक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो कि हमने बारीक एकदम चॉप कर ली है। इसी टाइम हम इसमें एक हरी मिर्च बारीक काट के भी डाल देंगे। इस प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। अब प्याज देखिए अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो इसकी जगह जिंजर गार्लिक को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अब इसको भी डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। अब इसको भी करीब हम 1 मिनट अच्छे से पहले भून लेंगे। अब ये भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को हम इसमें भूनेंगे 1 मिनट तक। अब मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर को आप चाहे तो चॉप कर सकते हैं या पेस्ट बना सकते हैं या बारीक काट सकते हैं, किसी भी तरह डाल सकते हैं हम इसमें। अब इसको भी डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भूनते टाइम ही हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, जो कि मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। आप चाहे तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब इसे भी डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। अब देखिए टमाटर ने भी अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पालक, जो कि हमने पीस के रख लिया था। देखिए पालक का कलर कितना हरा है। जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं,
अब इसी टाइम हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध की मलाई, जो कि मैंने थोड़ा सा दूध डाल के फेंट ली है। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको डाल के हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। इससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम डालेंगे पनीर, जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे, इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। अब इसको हम ढक के करीब 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम लिड हटा देते हैं और देखिए सब्ज़ी ने कितना अच्छा कलर छोड़ दिया है। करीब 5 मिनट इसको मैंने ढक के रखा था। अब इसमें हम डालेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी, जिसको मैंने इसी टाइप से बिना घी तेल के रोस्ट कर लिया था। ये 1 बड़ा चम्मच है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें एक स्पेशल तड़का लगाएंगे। अब हम लेंगे तड़के के लिए 1 टेबल स्पून बटर। आप चाहें तो इसको घी से भी तड़का लगा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 कली लहसुन लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब इसको लाल होने देंगे हम। अब लहसुन लाल हो चुका है, इसमें डालेंगे हम 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तुरंत गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको हिलाते हुए हम उसमें पनीर में डाल देंगे। अब ये तड़का हम पनीर में डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए हमारी पालक पनीर की एकदम ढाबा स्टाइल सब्ज़ी तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसको एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और आप तभी अपनी नॉर्मल सब्ज़ी जो आप पालक पनीर की बनाते हैं और ये सब्ज़ी में आपको अंतर ज़रूर समझ में आ जाएगा। आप इसको इसी स्टाइल से बनाइए जैसे मैंने बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आने वाली मेरी रेसिपीज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।